अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टाइम। नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और हम भी आपकी खैरियत के लिए हमेशा दुआगो रहते हैं। नाज़रीन आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का गर्मी का तोड़ जो है तरबूज का जूस मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें हम क्या चीज़ें डालेंगे आप देखकर हैरान रह जाएंगे जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा मुनफरिद ज़ायका, इंशाल्लाह आपने इससे पहले कभी इस तरह का शरबत जो है वो नहीं पिया होगा। इसको खुद ड्राइंग किया है, मेरे स्टाइल में इसको बनाना है। बनाना बहुत आसान है और आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं। मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी, हर तरह की जो गर्मी है इंशाल्लाह आपकी ये दूर कर देगा, आंखों में ठंडक डालेगा आपके। जितनी आजकल गर्मी पड़ रही है इससे अच्छा कोई और शरबत हो ही नहीं सकता। आपको पहले भी बहुत सारे शरबत मैंने बनाकर दिखाए, आपने मार्केट में भी देखे होंगे, आपने टीवी पर भी देखे होंगे, यूट्यूब पर भी देखे होंगे, लेकिन जो आज बनने वाला है इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत ही स्टाइलिश किस्म का है। मेहमानों के सामने भी आप पेश करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी याद रखेंगे कि कोई चीज़ पी कर गए हैं। सबसे पहले हमने 10 किलो का जो है वो तरबूज लिया है, सुरख कलर का, बेहतरीन, ना ज़्यादा गला हो ना ज़्यादा कच्चा हो, तभी इसका जायका जो है वो अच्छा होता है। आप कम बनाना चाहते हैं तो फिर भी आप तरबूज जो है वो बढ़ा लें, क्योंकि इसमें गुदे की मकदार जो है वो ज़्यादा होती है और जो छोटे होते हैं उसमें बीज ज़्यादा होते हैं और गुदा कम होता है। आप इसको हाफ़ बना लें, मैं भी कोशिश करूँगा कि इसको हाफ़ कर लूँ, ज़रूरत के मुताबिक इसको ले लेंगे। तो आपने लेना जो है वो बड़ा तरबूज है, उसमें से आप कम जो है वो कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगे। पूरे का बनाना हो, कम का बनाना हो, आप जो है वो बना सकते हैं। तो आए रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसको किस तरह से बनाना है, क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। हमने एक जो है बाल्टी ले ली, आप बाल्टी ले लें, कोई बड़ा टब ले लें, जो भी यानी कि बर्तन आपको चाहिए आपने एक बर्तन ले लेना जिसमें ज़रूरत के मुताबिक आपका जो है वो शरबत तैयार हो जाए। अब इसके छोटे छोटे स्लाइस जो हैं वो हमने करने हैं, ब्रीक स्लाइस करने हैं आपने, इस तरह से इसको आप काटें। इस तरह से आपने कर लेने हैं, ज़रूरत के मुताबिक हमने ये कर ली हैं। जो बाकी हमारे पास बचा है उसका हम ग्राइंडर में डालकर जूस बनाएंगे। उसका जूस बनाकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो छान कर हम इसमें डालेंगे। ये हमने खूबसूरती के लिए, गार्निश के लिए, और इसको जब हम डालेंगे गिलास में आखिर में तो उसमें ये जो पीसीस हैं वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में भी पसंद आएंगे आपको और देखने में भी। और जो बाकी है उसको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड करके फिर इसमें डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब ये हमने एक छनी ले ली बड़ी और ये इसमें हमने ग्राइंड कर लिया, अब इसमें इसको डाल देंगे। ज़रूरत पेश आए तो आप इसको थोड़ा सा हिला लें, लेकिन अगर जब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ग्राइंड तो देखें कुछ भी नहीं बचा पीछे। बीज जो है वो भी टूट कर उसका सफ़ेदी जो है वो भी बाहर आ गई है, इतना हमने इसको ग्राइंड किया है। इसी तरह जो तमाम है बाकी का तरबूज हमारे पास वो सारे का सारा मैं इसी तरह से छाननी की मदद से छान लूंगा। ये अब आखिरी जग मेरे पास रह गया है, अब हम इसमें एक पाव जो है वो शक्कर डालेंगे। आप ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप जो है वो इसमें शक्कर डालें। आपने चीनी नहीं डालनी, शक्कर डालनी। ये देखें इसमें मैंने शक्कर जो है वो डाल ली, अब इसको दोबारा से हम ग्राइंड करेंगे, शक्कर जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगी जी। तो अब ये जूस हमारे पास जो है इसमें हमने शक्कर डाली, अब इसको भी हम यहाँ पर डालकर देखें इसका कलर चेंज हो गया, इसमें डालकर इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे। हर चीज़ जो है मिकदार के मुताबिक और तरीके के मुताबिक आप इसमें डालेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका जो शरबत है
ये तैयार होगा। आपका दिल करेगा कि रोज इसको बनाएं। वीडियो में बनाना जरा शायद आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप रोजमर्रा रूटीन में घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह झटपट जो है वो ये बन जाने वाला। हमारे पास जो है वो ये फार्मूले के मुताबिक आप बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी से आपका बन जाएगा। अब हमने 20-25 जो है वो पत्ते अच्छे वाले, आप 30-35 भी ले सकते हैं जितना आपको पसंद है। तो आपने इसको ग्राइंड करना है बहुत अच्छे तरीके से। हल्का सा पानी की ज़रूरत हो तो आप डाल लें, या इसी का सिरप जो हमने निकाला है इसको आप डाल लें, बीच में थोड़ा सा पानी डाल लें। इसको अच्छा सा जो है ना वो हमने पेस्ट बनाना है, बहुत ज़बरदस्त किस्म से इसको पीसना है। और ताज़ा जो है वो आपने लेना है पुदीना जो है। तो इसको ग्राइंड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और क्या चीज़ इसमें डलेगी। जी तो नाज़रीन, ये पुदीने का पेस्ट जो है हमारे पास बन गया है। बहुत अच्छे से हमने इसको ग्राइंड किया है, तकरीबन 10-11 मिनट 12 मिनट इसको लग गए हैं। ये थोड़ा सा हमने इसमें पानी 2 घूंट शामिल किया था। अब ये देखें, हम इसमें ये शामिल कर देंगे सारा। काला नमक हमारे पास है, ये इसमें थोड़ा सा डालेंगे। आप अगर वाइट नमक इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर लें, काला करेंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा जो है। तकरीबन 1/2 खाने का चम्मच इसमें हम काला नमक जो है वो डाल देंगे। अब डालकर इसको इसमें बर्फ़ डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जी तो नाज़रीन, बर्फ़ हमने डाली, नमक डाल लिया, पुदीने का जो हमारे पास पेस्ट बनाया था हमने वो डाल लिया, शक्कर इसमें डाल ली और इसमें मतीरा जो है वो डाल लिया, साबुत हमने स्लाइस करके और उसका पेस्ट जो है वो छान कर वो डाल लिया। ये सब चीज़ें हो गई हमारे पास। अब इसमें जो एक अहम चीज़ है वो है सोडा। सोडा आपने इसमें डालना है। आप कौन सा भी सोडा ले सकते हैं, प्लेन सोडा भी ले सकते हैं और इसमें आप 7-Up स्प्राइट वगैरह ले सकते हैं। वाइट जो भी सोडा है वो आप ले सकते हैं। मैंने 7-Up लिया है और 1 लीटर जो है वो 7-Up मैं इसमें डाल दूंगा। अब इसको बहुत अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे और ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम सर्व करेंगे। जी तो नाज़रीन, जूस हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको आप पिएं, इंशाल्लाह दिल में ठंडक पड़ जाएगी आपके। मैंने अभी टेस्ट किया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है और पीते साथ ही आपको इंशाल्लाह फरहत जो है वो महसूस होगी। बहुत सारे लोगों ने इसको बनाया बहुत सारे तरीके से, एक भाई ने तो बल्कि इतने मोटे मोटे जो है वो पीस काट कर डाल दिए, उसके बाद वो कह रहा था कि इसको पीना है आपने, उसको उसने कराची का जो है मशहूर शरबत जो करार दिया। मेरा नहीं ख्याल कि कराची में लोग इस तरह का सिरप जो है शरबत जो है वो पीते होंगे। इस तरह से आपने बनाना है, इंशाल्लाह इसको आप पियेंगे जब बहुत ज़बरदस्त किस्म से आपको जायका भी आएगा और आसानी से पिया भी जाएगा। आप इसको स्ट्रॉ लगाकर भी पी सकते हैं, आखिर में जो पीस 2-3 बच जाएं आप उसको आसानी से गिलास को जब उंडेलेंगे अपने मुंह की तरफ तो वो आप में आ जाएगा, तो इंशाल्लाह मुंह में आ जाएगा, आप उसको खाकर और लुत्फ जो है वो इंशाल्लाह हासिल करेंगे। इस तरह से आपने इसको डेकोरेट करना है, या आपको इससे भी अच्छा तरीका आता है तो आप इसको डेकोरेट करें। अपनी कीमती राय जो है वो हमें कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताया करें। कुछ कमियां कोताहियां हर बंदे में होती हैं, अगर हमारी कोई कमी कोताही कोई चीज़ ऐसी जिससे हम मज़ीद खाने की जो सर्विंग है उसको बेहतर बना सकते हैं तो आप आइडिया जो है हमें ज़रूर दिया करें, बाय नेम दिया करें। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट वीडियो कोई भी बनाऊंगा तो उसमें आपका नाम लेकर बताऊंगा कि फलां व्यूअर हैं हमारे, उन्होंने हमें ये चीज़ सजेस्ट की थी तो उनके कहने पर जो है मैं वो ये कर रहा हूँ काम, जो भी सर्विंग का आप तरीका बताएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कोई कढ़ाई बनाता हूँ तो उसकी सर्विंग आप बताएं कि इस तरह की बजाय आप इस तरह से कर लेते, नेक्स्ट जो कढ़ाई कोई भी मैं बनाऊंगा सालन बनाऊंगा इंशाल्लाह वो जो सर्विंग का तरीका आप बताएंगे। अगर पिक्चर बनाकर आप बता सकें तो पिक्चर से, नहीं तो आप ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं हमें, आप तहरीरी जो है मैसेज वो भी कर सकते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई भी फौरी करें और उस तरीके को अपनाएं भी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।